गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, मैं हूं विनीत और ये है प्रिंस। तो हम लोग आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के कितने टाइम है, 9 बजने वाले हैं और हम लोग जस्ट अभी सो के उठ रहे हैं। डूड बहुत लेट उठे हैं। हम लोगों का ये ब्लॉग करने का कोई भी डिसीजन नहीं था, सडनली हम लोग जस्ट बोले, बंदा बोला है कि हाँ ब्लॉग करते हैं, तो हम लोग निकल गए। और हम लोग पहली बार तो जिस लोकेशन में जा रहे हैं उस लोकेशन बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। यही बंदा बोला कि भैया वहाँ पे ऐसा प्लेस है, तो मैंने कहा चलो वहीं पर चल के ब्लॉग करते हैं। और वहाँ पे बड़े महादेवा शिव मंदिर भी है, तो वहाँ पे उनका दर्शन भी करते हैं। और जस्ट उसके इन फ्रंट ऑफ वो जगह है, तो हम वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस जगह में मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं, यही बंदा जानता है। तो भाई वो कैसी जगह है वहाँ पे, क्या कुछ बता सकते हो? वहाँ पे कुछ शंकर शिव जी का मंदिर है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, घूमने लायक जगह है। चलिए हम वहीं भी जाके देखते हैं। तो चलो चलते हैं। और जैसे हम लोग भी चाय नहीं पियो डूड, सबसे बड़ी बात है हमें चाय पीने की बहुत बड़ी आदत है, तो अभी तो यहाँ बना नहीं सकते। जस्ट हम लोग जाएंगे और देखेंगे रास्ते में कोई छोटा कैंटीन वगैरह मिल जाए तो वहीं से पीते हैं। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग व्लॉगिंग के लिए निकल चुके हैं और हम लोग रोड से नहीं जाके गली से जा रहे हैं, क्योंकि इधर से ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसा भी है चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे बस चल रहे हैं, अभी काफ़ी दूरी हम लोग को जाना है, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिर जैसा भी हो, जो सामने से लोग आ रहे हैं डूड ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम लोगों ने उनसे बहुत बड़ा कुछ पैसा वगैरह चुरा लिया हो शायद ऐसे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से चल रहे हैं पैदल, और जस्ट अभी यहाँ से हम लोगों को 500 मीटर के आसपास अभी हम लोगों को वहाँ पर जाना है, मंदिर है जहाँ पर, और वहाँ से 100 मीटर या 200 मीटर वो लोकेशन होगा। तो रूट पैदल काफ़ी टाइम चल रहे हैं, सुबह टाइम अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन पहुँच जाएंगे। तो चलो देखते हैं। हम लोग उस मंदिर के पास आगे जहाँ की हमने बात की थी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं उन दर्शन करने, वो बड़े महादेव के मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग वहाँ पे अंदर जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे शिवलिंग के। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग उस लोकेशन से निकलेंगे, सामने देख सकते हो उधर वो लोकेशन है, दिखाई देगा यहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। तो हम लोग अभी वहाँ से चल रहे हैं, अभी दर्शन करने के बाद सीधे वहीं चलेंगे। तो चलो चलते हैं, ऐसा है और अभी हम लोग अंदर जाने वाले, तो आप ही आ जाओ। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजूट, हरि शंकर शंभु हवम बम। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजूट, हरि शंकर शंभु। तो सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो हम लोग जो मंदिर था, हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं। ये साइड आप मंदिर देख सकते हैं और हम लोग यहाँ से दर्शन कर चुके हैं। और करने के बाद जस्ट आप ये सामने का व्यू ये सब देख सकते हैं, कितना ज़्यादा बॉम्ब है डूड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे आने के बाद जो व्यू निकलेगा वो इतना ज़्यादा बॉम्ब रहेगा। तो डूड हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग यही व्यू दिखाने वाले हैं आप लोगों को जो आप लोग देख रहे हैं। डूड अभी ये मंदिर का आउटसाइड है, हम लोग बाहर किनारे खड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वहाँ का और पास्ट व्यू कैसा होता है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। तो आ जाओ। सो गाइस, देख सकते हो हम लोग ये पीछे मंदिर आ, वहां से हम लोग घूम के दर्शन करके अब हम लोग निकल चुके हैं उस लोकेशन के लिए जहां पे हम लोग आए थे, एग्जैक्ट वहां पे जा रहे हैं। और डूड ये देख सकते हो साइड से यहां पे नहरें हैं या फिर काफ़ी बड़ी है और अंदर से पानी भी जा रहा है। यहाँ पे मोटर वगैरह लगी है पानी निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे सब खेती वगैरह लोग किए हुए हैं तो पानी देने के लिए ज़रूरत पड़ रही है पानी की, तो जो भी कर रहे हो। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, ये काफ़ी ऊंचा है टूट ऐसे है एक मानो छोटे पहाड़ के मुताबिक। तो हम लोग जा रहे हैं सामने, ये सब इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है डूड। टाइम इस टाइम 9:30 बज रहे हैं,
डूड देख सकते हो कितना ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वह सर्दी का मौसम है तो नॉर्मली है, लेकिन फिर भी डूड मैं इस टाइम जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा था। अब मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मैं खुद नहीं देखा था, तो क्या है, वाह ऑसम यार, रियली ऑसम है डूड, ये सब देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बॉम्बे जब बाहर है, आउटसाइड है, तो थोड़ा बहुत गंदा कूड़ा कचरा है, तो उससे कोई नहीं, चलते हैं वहीं पे मिलते हैं डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे। पहले इधर चलेंगे 100 मीटर, उसके बाद फिर पहुंचेंगे वहाँ पे, वहाँ पे चलकर देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे है क्या, देखते हैं वहाँ पे कितना है। तो दूर चलो चलते हैं, तो चलते हैं, काफ़ी घूमना पड़ेगा उधर जाके, 100 मीटर उधर से जाने के बाद फिर हमें उस साइड से जाकर उधर आना पड़ेगा, तो दूर चलते हैं। फिलहाल में उधर देख सकते हैं कुछ नया नज़ारे, मुझे दिखा किनारे पे दिखाओ, ये देखो हम लोग आए थे किस काम के, इधर कोई और ही मस्ती कर रहा है, तो उस पर नज़र नहीं डालते हैं, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो दूर हमें थक गया मैं, उधर से जाना है उधर, हम लोग चलते हैं देखते दिखाते, भाई मैं थक गया। तो गाइस देख सकते हो हमें उस लोकेशन पे जाना था, वहाँ पे जो सामने देख रहे हो जो ऊंचा है, लेकिन हम वहीं पे जा रहे थे, लेकिन सडनली हमें ये दिख गया, तो हमको थोड़ा सा पानी से लगाव है, तो हम इधर आ गए और ये अच्छा लग रहा था डूड, यहाँ से पानी निकल के फिर से इस साइड से आके ऊंचाई भी जा रहा है, तो हम लोग इधर चले आए। लेकिन सब सही हो डूड, वहाँ कुछ था नहीं, कुछ टूट गिरा है, बस सब कुछ सही है, बस ये घंटे नहीं, क्योंकि हमारा सूज जो है चौपट हो जाएगा, इधर से फंस रहा है डूड, इधर आ जाओ इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ इस साइड से, इधर टूट घंटा है, इधर आ जाओ, जैसे देख सकते हो ये जैसे जैसे पानी जा रहा है ये कटता जा रहा है, ये देखो ये कट करके गिरते जा रहा है धीरे धीरे, रास्ता ये खुद ब खुद बना रहा है भाई, हमें पानी कहाँ से यहाँ पड़ेगा, वो भी सूज निकाल के, अभी नहीं यहाँ पे जगह, यहाँ पे जगह है, यहाँ बोरी लगी हुई है बालू डूड, यार ये पानी बहुत तेज बह रहा है, दिखाओ भाई यहाँ यहाँ पास से दिखाओ, ये जो रेत देखो कितने अच्छे से भाई, ये औसम है यार, ये देखो भाई ये औसम है, ध्यान ओ इतनी टूट के गिर रहा है भाई, इधर देखो ये भाई, ये नीचे से गजब की रेत बह के जा रही है अंदर, ये रेत बह के जा रही है अंदर, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं, आ जाओ हटना, गिरा भाई, देखना संभल खाना, इधर तो फिलहाल में अभी तो ठीक है क्योंकि रेत लगा हुआ है, तो हम तो इस बार आ गए भैया, देख के आना तुम, तुम्हारे से फोन है, तुम जाओगे कोई दिक्कत नहीं, फोन नहीं जाना चाहिए पानी में, बाकी सब ठीक है डूड, ये सच में बहुत बॉम्ब है डूड, वो देखो वहाँ, देखो वहाँ वहाँ चलते हैं डूड, ये मस्त है, ये और अच्छा है, सबके सब सेम कलर में है, बहुत क्यूट है, इधर दिखा भाई इनको दिखा, सबसे बड़ी बात ये डूड ये इतनी ठंड में यहाँ पे रहते कैसे हैं भैया, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम के, हमें कुछ खिला दे, हमें पता नहीं था डूड, अगर हमें पता होता हम जरूर कुछ लेके आए होते इधर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग भी जस्ट वैसे चले आए, हम सडनली देखे यहाँ पे इन लोगों को, और ये लोग इतनी ठंड में यहाँ रहते कैसे हैं डूड, लेकिन जो भी वो क्यूट बहुत है, बहुत प्यारे हैं डूड, देख सकते हो डूड, ये देखो डूड कितना प्यारा है, डर रहा है डूड बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा डर रहा है भाई, ये डर रहा है कोई नहीं, चलो भाई खेल ले दो इनको, अपने अपने लोकेशन चलते हैं डूड, हमें जिस लोकेशन पे जाना था हम तो वहाँ आ चुके हैं, हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, पहले हम वहाँ पे गए जहाँ पे हम बता रहे थे वहाँ पे गए, वहाँ से हमें कोई रास्ता नहीं मिला, पहले हमें लगा था कि नहीं वहीं से रास्ता है, लेकिन हम वहाँ गए, हमें वहाँ से कोई रास्ता नहीं, सिर्फ वहाँ पे जाल लगी हुई थी, हमें लगा वहाँ से रास्ता है, बट हम कन्फ्यूज तो हुए, वहाँ से गए फिर वहाँ से वापस आए, और डूड अभी एग्जैक्ट हमें रास्ता मिल चुका है वो सामने से, डूड हम बहुत एक्साइटेड उस पर जाने के लिए डूड, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वहाँ पे चलते देखते, भाई देखने के लिए तो वहाँ पे है ये व्यू बहुत अच्छा है, ऑसम लोकेशन बहुत सही थी, बाकी तो सब ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, हम लोग उस व्यू पे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं डूड, इधर देखो ये सामने
देख सकते हो डूड, इसका जो व्यू है वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी एक बीच पे आए हुए डूड। यहाँ पे बहुत मजा है, लेकिन अभी यहाँ पे लोग कम हैं, जैसे दोपहर होती है यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आते हैं भाई साहब, ये पूरी की पूरी जगह फुल हो जाती है। अभी डूड ये जो रेत है इसमें पैर हमारे बहुत जोरों से धंस रहे हैं, और उधर से देख सकते हो हम लोग कितना दूर से चल के आ रहे हैं। बीच में कैमरामैन ने बोला भैया दौड़ दो, उसने मुझे दौड़ा भी दिया और मैं गया हूँ बिल्कुल थक। यहाँ पे बैठने का कोई भी जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह है, वो है ये लकड़ी। अभी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हम लोग उस जगह पर चलेंगे क्योंकि वो जगह इन सबसे डिफरेंट है, तो हम वहाँ चलेंगे। और डूड ये देख सकते हो रेत, रेती रेत डूड, वास्तव में क्रेजी है, अच्छा है डूड, बहुत अच्छा है। और थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, अभी लोकेशन देखो तुम लोग, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भाई ये दिखाओ ये भाई, मैंने इतना सभी केयर नहीं किया था इसका, ये सारी की सारी दरार है और मैं उधर उसी पे खड़ा था भाई साहब, मुझे लगा ये सिर्फ रेत है, ऐसे ढक जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा भाई, ये कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे खड़े हो ये भी नहीं कि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत गहरा नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ये भाई साहब भाई टूट गया था भाई भाई थोड़ा सा बच गया मैं, हट जा भाई इससे दूर रहो, ये कभी भी कट के गिर सकते है, इससे दूर रहो इधर। ओ भाई बच गया मैं अगेन, फिर से बच गया यार, अभी नहीं करना भाई, ज्यादा खतरा नहीं लेना, ये बहुत गए, ये बहुत गहरा इधर, उधर से भाई इधर आ जा, इधर नीचे इसे भी गिरा दें। वाओ भाई मजा आया, चलो आओ बस, अब नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना ये काम, अब भाई ये देख सकते हो काफी डरावना व्यू है भाई, ये पत्री भाई नीचे खाली है मेरे भाई, जिसमें मैं खड़ा हूँ नीचे पूरा खाली है, अरे भाई जिसमें मैंने खड़ा था मैं भाई पूरा नीचे खाली, देखो भाई अभी ये टूटेगा, अभी हट जाओ इधर से, पूरे ये इतना भरोसा नहीं है थोड़ा भी नहीं, ये देखते किनारे चला भैया हमें भाई साहब, जो पैर धंस रहे मेरे शरीर में, अभी मुझे वापस घर भी जाना है, कैसे जाऊंगा पता नहीं, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ डूड, इस रेत के चक्कर में बिल्कुल थक चुका हूँ। उधर आते हैं, कुछ सही है भैया, गया मैं हो गया सब शूज में बाहर घुस गए, अब नहीं आ रहा मैं नीचे, अभी मैं ऊपर आऊंगा भाई, ये ट्रेनिंग हो रही है क्या मेरी There's never a guarantee that loving is so easy, some may define it the sugar and promise but hard just as climbing. So finally guys, हम लोगों की वीडियो शूट हो चुकी है, टूट हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे वहाँ से यहाँ चल के आने में, हम लोग दोनों लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डूड वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी फटाक से पहले पहुंच जाए। और डूड बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर यार, सब बटन तोड़ दो फोड़ दो, क्या चाहिए यार भाई को, बहुत पड़ी है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।